नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द मोर्चा में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा में जोरों पर चल रहे पंचायती चुनाव के बारे में। 23 मई तक आएगी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, 21 जून तक आपत्ति, 22 जुलाई तक होगी फाइनल सूची तैयार। SDM ने पंचायती चुनाव की तैयारी को लेकर की थी बैठक। BLO ने कहा, बोले बिना किसी सुनवाई के मतदाता का नाम सूची से ना हटाया जाए। पंचायती चुनाव की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता SDM सत्यवान ने की। SDM सत्यवान ने BLO को निर्देश देते हुए कहा कि 23 मई तक मतदाता सूची का साफ एवं स्पष्ट ड्राफ्ट जारी किया जाए, ताकि मतदाता अपने वोट को देख सके। उन्होंने बताया कि 21 जून तक सभी क्लेम व आपत्ति दर्ज किए जाएंगे। यदि किसी मतदाता को फिर भी कोई आपत्ति है तो वह अपने उपयुक्त अधिकारी को अपील भी कर सकते हैं। 22 जुलाई तक फाइनल मतदाता सूची को तैयार किया जाएगा, जिससे हिसाब से पंचायत चुनाव संपन्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में BLO का कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। करीब 12,000 लोग ऐसे हैं जिनकी फ़ोटो एक से ज़्यादा बार लिस्ट में आ चुकी है। ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर वास्तव में भी हो सकता है। सभी BLO को अपने अपने वार्ड की लिस्ट को बहुत सावधानी से स्थापित करनी है। सभी BLO अपने वार्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अपने अपने वार्ड में बिना किसी सुनवाई के मतदाता सूची के नाम से किसी का नाम नहीं हटा सकते। ये सब कार्य को पूरा करने के उपरांत ही ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करनी है। SDM सत्यवान ने कहा, जिन BLO की जुलाई तक रिटायरमेंट होनी है, उनको BLO के कार्यभार से मुक्त कर नया नाम जोड़ा जाएगा। जिस कर्मचारी को कोई भी समस्या है, खासकर महिला कर्मचारी को, वो अभी अपना नाम कटवा सकती हैं। बाद में किसी कर्मचारी का नाम नहीं काटा जाएगा। सभी को मिलकर शांतिपूर्वक चुनाव संपूर्ण करना होगा। खामे पकड़ में आने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से संबंधित SDM व जींद उपायुक्त को पत्र लिखकर इस वोटर लिस्ट की जांच कर दुरुस्त करने के निर्देशन दिए गए हैं। SDM कार्यकाल की तरफ से ये सभी BLO के घर घर जाकर वोटर लिस्ट में सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। जिले में लगभग 10,30,000 से ज़्यादा वोटर हैं। हर बूथ पर ऐसे 4 से 5 मामले हैं जहां पर वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम, पते, पिता का नाम, वोटर आईडी के अलावा फोटोज़ भी गलत हैं। जल्द ही स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव होने हैं और जिन सफीदों नरवाना उचाना शहरी क्षेत्र की वोटिंग लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है और इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा, वोटर लिस्ट में यदि कोई जगह किसी के वोट बने हैं तो उसे नोटिस देकर कटवाएंगे। पंचायती चुनाव के लिए फाइनल लिस्ट अभी बननी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आपकी क्या राय है पंचायती चुनाव को लेकर, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।